क्वेश्चन नंबर वन में हमसे बोला है कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 18 की वैल्यू आपको पता होती है कि वो होती है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। अब ये आप बोलोगे कैसे आई, तो ये आपको क्लास में बताया, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप डायरेक्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें तो हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यार देखो, यहाँ पे आयोटा दिख रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ला करके हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अब सुनो, अगर आपको पता हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो अगर हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो ये इस जैसे ही दिखेगा। अब यार अगर आप इस ध्यान से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो आप इसमें मिडिल टर्म बहुत आसानी से स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। कैसे, 6 आयोटा स्क्वायर है यानी 2 × 3 क्या होता है 6, और 3 और 2 को जोड़ दो तो भी 6 5 होता है, और बीच में मुझे 5 ही चाहिए, 1 आयोटा इसको 1 आयोटा इसको, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 3 आयोटा एक्स प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखोगे कि ये हो गया x माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा कॉमन ले लो x माइनस 2 आयोटा। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 2 आयोटा आ गई और एक x की वैल्यू 3 आयोटा आ गई, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू फॉर एफ एक्स, जब x a की a 0 से बड़ा 1 से सॉरी a अगर 1 से बड़ा हो तो बेस अगर मेरा 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। बिल्कुल सही बात है, अगर 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और अगर इस पे मॉड लग गया, यानी सबसे पहले तो a जब बड़ा होता है तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है 1,0 पे। अब इस पे मॉड लगा दिया, मॉड लगाने का मतलब कि कोई भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू हो रही होगी अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले ग्राफ का ऊपर मिरर इमेज ले लेंगे। तो यही हमने किया, यानी मेरा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अब हम बात करने जा रहे हैं, हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। यदि आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो फिर आप आंसर निकालो, तो उससे 3 के बाद हमसे बोला है कि x टेंड टू 3 पर इसकी लिमिट क्या होगी। तो अगर आप देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी ये डिसकंटिन्यूस होता है। 2 पर वैल्यू इसकी 1 पर वैल्यू 1 देगा, 2 पर वैल्यू 2 देगा। अगर हम 3 पर देखें तो 3 पर इसकी वैल्यू 3 होगी। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये डिसकंटिन्यूस है, और 3 के अड़ोस पड़ोस में अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर इज अवर डी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करने जा रहे हैं, हमको एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन नॉट एक्स, जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 और जब एक्स 0 के बराबर है तो 1 है। तो यार देखो, जब 0 की तो बात हो गई, 1 आ गया। अब 0 जब 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक बार हम लेफ्ट हैंड की बात करेंगे और एक बार हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की देखो तो ये मॉड लगा हुआ है, यानी व्हेन एक्स लेस देन 0 तब क्या हो जाएगा, मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो यानी मॉड पॉजिटिव ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक्स अपॉन एक्स जो कि हो जाएगा 1 के बराबर। तो आप देखो, ये तो हो गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गई मेरी राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 से थोड़ा आगे क्या वैल्यू दे रहा है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में क्या वैल्यू दे रहा है माइनस 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें तो जो मॉड x दिस इज लेस देन 5, तो अगर आप इस मॉड को खोलते हो तो आप पाओगे कि ये माइनस 5 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो गया आंसर। सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ में हमें क्वेश्चन में दिया है 1 + iota 1 + iota² 1 + iota³ 1 + iota⁴। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट में 1 + iota² भी है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। आपको पता होता है क्यों, क्योंकि अंडर रूट आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 के बराबर होता है। तो यानी आयोटा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी माइनस 1 के बराबर होती है। तो अगर आप देखो तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + iota 1 - iota 1 + iota³
वन प्लस आयोटा की पावर 4, तो दिस इज़ वॉट माइनस वन, यानी वन माइनस वन ये प्रोडक्ट में जीरो हो गया, तो ओवरऑल आंसर जीरो आएगा, तो आंसर इज़ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो हमें जेड दे रखा है 2 प्लस आयोटा अपॉन 5 माइनस आयोटा की पावर 105 माइनस 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा की पावर 105। अगर आप जेड बार निकालो, जेड बार हम कैसे निकालते थे, ऊपर वाले का साइन क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और नीचे वाला हो जाएगा 5 प्लस आयोटा किसकी पावर 105। माइनस ऐसे ही रहेगा, इसका जेड बार जब आपने किया तो ऊपर हो गया 2 प्लस आयोटा अपॉन नीचे 5 माइनस आयोटा की पावर 105। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो जेड बार है हमारा वो माइनस ऑफ जेड के बराबर है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि जेड इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करने जा रहे हैं, हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर ग्राफ में कभी भी शार्प टर्न आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इस वाले ग्राफ में बिल्कुल भी शार्प टर्न नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पर यहाँ पर शार्प टर्न हमें दिख रहा है, तो यानी ये कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 10th की, तो 10th में हमसे बोला है विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। सबसे पहले तो आपकी नज़र यहाँ पड़नी चाहिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ए ऑप्शन बोल रहा है कि ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन बोल रहा है ग्राफ इज़ डिफरेंशिएबल एट 1 और 5 पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 5 दोनों जगह पे कैसा है, शार्प टर्न है। अगर कभी भी क्वेश्चन में शार्प टर्न हमें दिख जाए, यानी वहाँ पे अगर आप स्लोप खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक से ज़्यादा हम टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। पर बी ऑप्शन में बोला है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी।